हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको ऑलरेडी एक रिव्यू, एक पूरा का पूरा फ्लैशबैक मैकेनिक्स के रिगार्डिंग दे चुका हूँ। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी दिया था जो कि आपके लिए जरूरी था टू कम्प्लीट दिस कोर्स, और यू एज यू आर इन कमिंग न्यू स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी कि मैकेनिक्स के फ्लैशबैक की, कि मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, क्या इसके एस्पेक्ट है और क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इन थर्ड लेक्चर आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज बेसिकली डिफ्रेंशिएशन, इंटेग्रेशन, फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में आई थिंक मैंने आपको कहा भी था कि वेक्टर्स को आपने स्टडी करना है। इस पूरे के बाद में आज से जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, दैट इज ऑफ एकेडमिक पार्ट। ओके, तो आज से हम अपना एकेडमिक स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली। ओके ओके, यस, स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, जस्ट मिनट। यस, तो आज के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक का एकेडमिक का पार्ट, जो आगे आपको पूरा का पूरा इस कोर्स में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो आज से आपका स्टार्ट हो गया मैकेनिक्स का पार्ट, स्टार्ट हो गया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक पोर्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज द डायनामिक मोशन। जब हम बात करते हैं स्टैटिक मोशन की, तो मोशन स्टैटिक से आपके माइंड में आता होगा द बॉडीज विच आर रिमेन्स एट अ सिंगल पोजिशन, दैट मीन दे कांट बी मूव्ड। बट बेसिकली स्टैटिक मीनिंग दे आर इन द इक्विलिब्रियम फोर्सेस, दैट मीन द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी आर ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स, दैट मीन द बैलेंसेस ऑफ forces, that means sum of each kind of forces is equal to zero. In that condition, the body will remain in uniform motion, or it will remain in the it remain at the same position with respect to time. That means the motion will be uniform, or otherwise the body will remain at rest. तो उस टाइप की मोशन को, उस टाइप की कैटेगरीज को, मैकेनिक्स को हमने किसमें डिवाइड किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक। इज इट क्लियर? दैट मीन समेशन ऑफ ऑल ओवर द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ स्टैटिक कैटेगरी। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज डायनामिक मोशन। डायनामिक मोशन एज यू नो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। डायनामिक्स रिलेटेड मीनिंग द देयर विल बी अनइक्विलिब्रियम फोर्सेस ऑन द बॉडी व्हेन सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट कंडीशन इज ऑफ डायनामिक मोशन। इन दिस केस वी आर बेसिकली ट्रीटिंग दैट एन इनइक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम फोर्सेस। And further, dynamic motion is divided in two categories. First category is kinematic and second category is dynamic proper or kinetic. जैसे word use किया kinetic, तो आपके mind पे क्या गया? Scooty। आज कंपनी बन के ना जो kinetic पे चल रही है उसका नाम भी उन्होंने ही से लिया है। Is it clear? तो kinematics और dynamics proper और kinetic में difference क्या है? In case of kinematics, we are studying the motion of objects of inequilibrium forces without taking the cause of motion. जब हमने motion का cause नहीं लेना साथ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? Kinematics branch of mechanics. That means don't consider the cause of motion. But in case of dynamic proper or kinetic, we take into account the cause of motion of the body. Body move क्यों कर रही है, कौन सी फोर्स लगी, कैसे लगी, what are its causes? तो उसको हम बोलते हैं dynamics proper or kinetic. And the third part, this category
is basically very important after 1905, or you can say early in the 20th century. Why? Because in this category we have divided the part of mechanics on the basis of the size of the particle or the velocity, how much velocity has acquired the body. तो इसमें आपके पास फर्दर दो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं. वन इज क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड सेकंड वन इज द क्वांटम मैकेनिक्स. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले तो पार्टिकल की. व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टिकल? जैसे मैंने पॉइंट लिखा पार्टिकल और पॉइंट साइज मास, क्लियर? तो आपके माइंड में जाता है बिल्कुल छोटा सा कोई पॉइंट है, बट इट्स नॉट करेक्ट. ओके, अगर मैं इसके लेके चलूं एक अर्थ है, तो अर्थ को भी मैं एक पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूं अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम सन. दैट मीन इफ द ऑब्जर्वेशन मास और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, तो उस पॉइंट पे आपके पास एक ह्यूज बॉडी भी एक इस तरह से कंसीडर कर सकती है, एज ए पार्टिकल कंसीडर कर सकती है. बात समझ में पड़ी है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस केस में पार्टिकल और पॉइंट साइज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी लार्ज, एट दैट पॉइंट वी कैन टेक इट एज ए पार्टिकल और अ पॉइंट साइज पार्टिकल. तो अर्थ के लिए भी मैं वही इक्वेशन यूज कर सकता हूं जो मैंने एक पॉइंट साइज पार्टिकल के लिए यूज किया है. केवल कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है उसका आपके पास लेवल क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए. इसी तरह से हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज ऑफ रिजिड बॉडी. आप इसकी मेरे माइंड में एक चीज आ गई, रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, हर रिजिड बॉडी. आई रिपीट अगेन, दैट मीन आई रिपीट, इसमें हम क्या कह रहे हैं? इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द टाइम इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, दैट बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड बॉडी. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. सपोज करो एक स्टोन है, ठीक है? वैसे प्रैक्टिकली और यू कैन से साइंटिफिकली कोई बॉडी नेचर में रिजिड बॉडी होती ही नहीं है. इज इट क्लियर? क्यों नहीं होती? क्योंकि हमेशा हम डीफॉर्मेशन या स्ट्रेस अप्लाई करके ये मान के चलते हैं दैट सम देयर विल बी सम डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स. तो जैसे डिस्टोर्शन हुआ दैट मीन बॉडी इज नॉट सपोज टू बी रिजिड बॉडी. बट इन क्लासिकली वी कैन से द रिजिड बॉडी डजंट चेंज इट्स शेप और साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ. सपोज करो एक स्टोन है और एक मेरे पास बैलून है. अगर बैलून को पूरा का पूरा हवा से भरा हुआ और उस पर मैंने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, तो उसके जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होगा. क्लियर? तो वो एक आपके पास क्या होगी? रिजिड बॉडी नहीं है. दैट विल डिफॉर्म चेंज इट्स शेप और साइज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स और विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पर इसी की तरह से अगर सपोज करो मैं एक स्टोन लेके चल रहा हूँ, उस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्लासिकली देर इज नो एनी डीफॉर्मेशन. दैट मीन उसके पार्टिकल्स के बीच का साइज और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम. तो ये डिफरेंस होता है रिजिड बॉडी और एक सिंपल अनरिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडीज के बीच का. तो हमारा मेन पॉइंट था कि हमने मैकेनिक्स की जो ब्रांच को स्टडी किया है उनको हमने साइज या कह सकते हैं कि वेलोसिटीज के बेस पे डिस्कस किया है. जैसे वेलोसिटीज के बेस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं जब वेलोसिटीज की वैल्यू लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी तो उस पॉइंट पे हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, दैट इज अ क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When the velocity of the particle is very, very small as compared to the velocity of light, that is taken as c, small c symbol, at that condition we take it is a non-relativistic mechanics.
non-relativistic meaning velocity is very less as compared to the velocity of light. या इसी को दूसरी तरफ क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इज इट क्लियर? जब ये कंडीशन मेरे पास आ रही है दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन दैट कंडीशन ऑल द लॉज ऑफ न्यूटन आर एप्लीकेबल. तो जितने भी आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं मोशन के, वो सारे के सारे एप्लीकेबल है. पर किस कंडीशन पे एप्लीकेबल है? When the velocity of particle is very very small as compared to the velocity of light. पर अगर हम इसी को चेंज कर दे, I can take the velocity of any particle or body is nearly equal to the velocity of light. तो उस केस में क्या होगा, न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे. Is it clear? That means Newton's laws of motions are not applicable when we taken the velocity of particle or body is comparable to the velocity of light. Clear? और इस चीज पे हम इसको क्या बोलते हैं, that is of quantum mechanics. Is it clear? तो यहाँ पे सब atomic particles, elementary particles, उनकी motions के regarding rules और new laws आपके पास आते हैं. क्लियर? और इसी चीज को हम एक और बोल सकते हैं चीज, दैट इज ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. तो ये जो वर्ड है दैट इज ऑफ रिलेटिविस्टिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो रिलेटिविस्टिक मीनिंग रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. जहां पे भी आपको रिलेटिविस्टिक वर्ड नजर आता है तो रिलेटिविस्टिक का मीनिंग ही है, दैट मीन वी आर कंसीडरिंग और नॉट कंसीडरिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट अप्रोच. जहां पे आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक है दैट मीन पार्टिकल्स वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. बट व्हेन यू रीड और व्हेन यू सी द वर्ड रिलेटिविस्टिक मोशन दैट मीन पार्टिकल्स वेलोसिटी इज नियरली और कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. कभी भी ये नहीं लिखना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है, वो केस हम अभी तक स्टडी नहीं कर पाए और वो ना ही हम लेके चलते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मैकेनिक्स वी हैव इन वी विल आल्सो स्टडी इन द फर्दर स्टडी दैट नो बॉडी विल हैज अ वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये अब तक का एक रूल है, फंडामेंटल रूल है, कि यहाँ पे कभी भी हम ये नहीं मान के चलते कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होगी. ओके? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिकल मैकेनिक्स. और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो आगे की स्टडी है उनमें कई तरह के पार्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं जिनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है, बट इन डिफरेंट कंडीशन. ओके? सम पार्टिकल्स आर थ्योरेटिकली नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव, और जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो भी चुके हैं तो उनपे डिफरेंट कंडीशंस में वो ये चेंज फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो ये चेंज फॉलो नहीं करेंगे. ओके? तो इसके बाद का जो आज का न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करा रहा हूं दैट इज वेरी इजी फॉर यू इफ यू हैव क्लियर योर प्लस वन क्लास प्रॉपरली. क्लियर तो किया प्लस वन क्लास, बट प्रॉपरली की होगी तो. ओके? तो उस पे हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पहले बात आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम स्टडी क्यों करते हैं? क्लियर? मेन पॉइंट है, प्लस वन से आप पढ़ रहे हो थ्री एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर, वन एक्सिस इज एक्स एक्सिस वाई जेड, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है प्लस वन क्लास में. पर वाई वी स्टडी इट? ओके? मेन पॉइंट यह था, हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाना चाहिए कि इसके बेनिफिट क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है. अब सपोज करो मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज करो मैं यहाँ पे इस लेक्चर हॉल में आपको लेक्चर दे रहा हूँ. ओके? और कोई कोई न्यू पर्सन आया और उसने वो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड मीनिंग ही हैज टू राइट डाउन कि मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, इस पोजीशन पे लेक्चर दे रहा हूँ. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक ओरिजन को फिक्स करेगा इस पूरे के पूरे रूम में. जैसे ओरिजन फिक्स कर दिया, हो सकता है वो इस तरफ हो, सकता है वो इधर हो सकता है वो टॉप पे हो,
ठीक है, इन्वर्टेड आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, जैसे उसने ओरिजिन को फिक्स किया उसके बाद में वो उस ओरिजिन से तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू माय पोजीशन। अगर मैं केवल प्लेन पे हूँ, लाइक प्लेन पे हूँ, तो वहां पे केवल क्या है, टू डायमेंशन की जरूरत है, थर्ड डायमेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सपोज करो मैं फ्लाई करता होता लाइक ए काइट, ओके, तो यहाँ पे मुझे कितने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती, थ्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर वो अगर इसमें कितने पैरामीटर्स ले लेते, तीन पैरामीटर ले लेते। अब सपोज करो मैं बोर्ड के आगे यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसने कितने पॉइंट्स लिए, टू पॉइंट्स लिए, दैट मीन आई एम डिस्कसिंग इन प्लेन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हम टू डायमेंशन की बात कर दे, आइदर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, दैट मीन वी आर कंसिडरिंग अ प्लेन नॉट अ स्पेस, एंड इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन दिस इज अ स्पेस। तो उसने क्या नोट किया कि अलोंग लेंथ और यू कैन से अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पैरामीटर्स क्या है, मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, सिमिलरली फ्रॉम वाई एक्सिस मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, ओके, दोनों को मैच किया, उसको मैच करके एक पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, दैट इज ए पॉइंट पी। उस पॉइंट पी के कोई कोऑर्डिनेट दीजिए, लेट अस सपोज 2.3 इन मीटर, इन सेंटीमीटर, इन मिलीमीटर, इन किलोमीटर, वो आपके और उस पर्सन के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्व करते हुए उसने कौन से यूनिट यूज किए, ओके, मोस्टली हम यूज क्या करते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये पॉइंट उसने रिकॉर्ड कर लिया और दो साल के बाद में जाके वो अपना रिटर्न पेज निकाल के बता रहा है कि इस टाइम पे, इस डेट पे, इस कोऑर्डिनेट पे मेरी पोजीशन ये थी, इज इट क्लियर। तो क्या किया, ये इसने डाटा रिकॉर्ड किया, बात समझे पड़ी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी ये वाला सिस्टम है इसको हमने थ्योरेटिकली रिकॉर्ड कर लिया विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।